सभी को नमस्कार। और जब आप लोगों के बीच आते हैं तो एक नई ऊर्जा मिलती है, एक ताकत मिलती है। जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, जितना आप लोग सपोर्ट कर रहे हैं हमें, वही हिम्मत है। नहीं तो दो तीन घटनाएं ऐसी हो चुकी है हमारे खिलाड़ियों के साथ, बहनों के साथ, बेटियों के साथ, कि वो बिल्कुल आज टूटी हुई है। वही शक्ति आप लोग उन्हें दे रहे हैं कि आज पूरा देश हमारे साथ खड़ा है। 28 तारीख की जो घटना हुई उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करूंगा कि आप लोगों ने आने की कोशिश की, लेकिन पुलिस प्रशासन द्वारा ज्यादा जबरदस्ती करी गई, आप नहीं पहुंच पाए। लेकिन दुख इस बात का, इस देश के लिए इतना सब कुछ करने के बाद हमारी बेटियों की, बहनों की इज्जत के साथ खेला जाता, उसके बाद भी कुछ नहीं हो पाया। मैं आज यहाँ पे आया हूँ, आप सभी से यही अनुरोध करूंगा कि हमें एक साथ जुड़ने की जरूरत है। अलग अलग अगर हम बटे रहेंगे तो हम ये लड़ाई नहीं जीत पाएंगे। आज हमें एक मंच पे इकट्ठा होने की जरूरत है। जैसे मंदीप भाई ने बताया, चंद्रशेखर भाई ने बताया था कि भाई हम एक पंचायत की दरोरी है, एक पंचायत सोरम में हुई थी पीछे, एक पंचायत कुरुक्षेत्र में हुई थी, तो मैं उसके लिए क्षमा चाहूंगा कि हम लोग वहां पे नहीं पहुंच पाए। लेकिन मैं सबसे अपील करूंगा, अनुरोध करूंगा कि इकट्ठा हो जाइए एक कॉल। मैं आज गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा, रिक्वेस्ट करूंगा कि आज कोई फैसला ना ले आप। एक पंचायत हम रखेंगे खिलाड़ी, वो कॉल हम देंगे, वो जगह हम बताएंगे आपको। सभी को इकट्ठा करके हम पंचायत रखना चाहते हैं, अलग अलग भाग में हम नहीं बटना चाहते। और ये किसी जाति विशेष की लड़ाई नहीं है, ये हमारी इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई है। और जब तक हम इसमें बटते रहेंगे तो हम नहीं जीत पाएंगे। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा और गुरनाम जी से भी अनुरोध करूंगा कि आप आज कोई भी फैसला ऐसा ना ले कि हम भागों में बट बट के उसके ऊपर, अगर हम पूरा नहीं कर पाते तो उसमें भी हमारी जीत नहीं हो पाती, तो उसमें भी हमें नुकसान है। जी वही चीज है, आप लोग इसीलिए हमारे साथ खड़े हैं। तो वही चीज मैं बोल रहा हूं कि सभी इकट्ठा होके हम एक पंचायत खिलाड़ियों की तरफ से रखेंगे, जिसमें सभी जितने भी हमारी खाप पंचायतें हैं, जितने हमारे संगठन हैं, हम एक मंच पे इकट्ठा करेंगे सबको। ये मुडलाना की जो धरती है, यहां से मैं अपील करता हूं, जितने भी हमारे खाप चौधरी हैं, जितने भी संगठन हैं, हम जो आप लोगों को कॉल दे, जो पंचायत के लिए हम आप लोगों को एक जगह बताएंगे, 3 से 4 दिन में हम वो जगह डिसाइड करके आप लोगों को बता देंगे कि वहां पे पंचायत रखी जाएगी। और वहां पे सभी इकट्ठा होके हम वहां से जो निर्णय लेंगे वो हमारी बहन बेटियों की इज्जत और मान सम्मान की लड़ाई के लिए और मजबूती के साथ आगे बढ़ेंगे। तो मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और हाँ, एक साक्षी और विनेश यहाँ पे नहीं आ पाई, उनके लिए मैं क्षमा चाहूंगा, क्योंकि उनमें अभी इतनी हिम्मत नहीं है जो घटनाएं घटी है 28 तारीख के बाद भी, और 30 तारीख का जो गंगा नदी वाला जो घटना थी उसके बाद वो बिल्कुल टूट चुकी है। उनको हम हिम्मत दे रहे हैं, उनके साथ परिवार का एक ना एक सदस्य जरूर है कि कोई ऐसी गलती ना कर दे ये कि हमारे समाज में ये सोचे कि भाई समाज साथ नहीं था। तो मैं आपके माध्यम से यही बोलना चाहूंगा कि आपका जो सहयोग है उसके लिए हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं और हमेशा आपके आभारी और ऋणी रहेंगे कि आपने हमें सहयोग दिया है। और जो कॉल देंगे वो आप लोगों को जरूर बता देंगे। जिस दिन भी हम पंचायत रखें, ज्यादा से ज्यादा संख्या में उस पंचायत में पहुंचना है, 2-3 दिन में ही हम आपको वो पंचायत की जगह बता देंगे। धन्यवाद जी।